लदा वाहन तालाब में पलटा, देखने के लिए जुटी भारी भीड़। पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने पानी से निकाल कर किया जब्त। DN20 दरभंगा। बिहार में नीतीश सरकार की लगातार हो रही सख्ती के बावजूद शराबबंदी असरदार होती नहीं दिख रही है। लोग सरेआम शराब पीने पिलाने और वाहनों में ढोने का काम कर रहे हैं। बुधवार को दरभंगा शहर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के लक्ष्मी सागर तालाब में शराब से भरी एक वैगनार गाड़ी पलट गई। इसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ तालाब के किनारे जुट गई। शराब की लूटपाट की आशंका को देखते हुए विश्वविद्यालय थाना और उत्पाद विभाग की टीम मौके पर पहुंची। एक ट्रैक्टर में रस्सी बांधकर तालाब से शराब लदे वैगनार को बाहर निकाला गया। पुलिस ने वाहन और उसमें लदी शराब को जब्त कर लिया और उसे थाने लेकर गई। विश्वविद्यालय थाने के ASI कृष्ण कुमार ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली कि लक्ष्मी सागर तालाब में शराब लदा एक वाहन पलटा हुआ है। सूचना के तुरंत बाद वे पुलिस बल के साथ यहां पहुंचे। जो ऐसे एक गाड़ी गिरी हुई है नदी में, उसको निकालने के बाद पता चला कि इसमें कुछ शराब बिगड़ रहा है, तो उसी को जांच की जा रही है कि कितना शराब है, क्या है। वही सब किस जगह गिरी है, कौन सा पोखर में गिरी है? ये जो है लक्ष्मी सागर तालाब में, उसी में तालाब में गिरी हुई है। तालाब में जानकारी मिली है, आए हैं तालाब। ये किस थाना क्षेत्र में पड़ता है सर? ये हमारे विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र। अच्छा सर, आप क्या आपके द्वारा इसकी रिकवरी की गई है? सब एक साइज के लोग थे, सादे लोग हैं, उनके भी द्वारा दोनों लोग की मदद से शराब लेकर के इधर से भाग रहा था और नदी में घुस गया। इसके बाद हम लोगों को आधा घंटा बाद सूचना मिला कि एक गाड़ी गिरी हुई है। हम लोग सोचिए कि उसमें शराब होगा। हम लोग आए हैं यहाँ पर, पकड़ उकड़ करके घीच घाच करके निकलवा। आपको कैसे जानकारी मिली? किसी ने फोन किया कि गाड़ी गिरी हुई है, तो धुंध में गाड़ी गिरने का मतलब है कि उसमें शराब है। अच्छा, मैंने अच्छा क्या कितने शराब यहाँ बरामद हुआ है? गिनती नहीं किए हैं, गिनती करते हैं। क्या 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 नाम है? मेरा नाम सुदेश्वर लाल, एक्साइज इंस्पेक्टर। कितने बजे की घटना? घटना हमने क्या 7 बजे का है। लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।